बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। की फिलहाल क्या हाल आप लोग? ठीक है, खैरियत से? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो दोस्तों। जिस वक्त की पुण्य फ्रेश अपडेट सब मैं आप लोगों की खिदमत पे लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ BA.7 कोरोना वायरस के ही हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं कि न्यू वॉरियंट इस वक्त के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ हो चुका है, क्योंकि चाइना के अंदर और इसके बाद हिंदुस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर BA.7 कोरोना वायरस के केसेस की तादाद के अंदर खासा इजाफा हो रहा है। तो भी इस हवाले से ये रात को भी स्टेटमेंट आई, इसके मुताबिक तस्दीक की गई कि फकत 24 घंटों के दौरान चाइना के अंदर 37 करोड़ लोगों को हुआ कोरोना वायरस। जैसे बताया गया था कि 1 से 10 लोगों को लगता, तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है चाइना के अंदर। इसके बाद दूसरी घंट पे इंडिया के अंदर केसेस के अंदर ज्यादा इजाफा हुआ है। तो भी इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान हुकूमत की तरफ से तस्दीक की गई है कि 5 ममालिक से जो भी हिंदुस्तान के लिए सफर करेगा उनके लिए कोरोना वायरस का टेस्ट लाजमी होगा, और हिंदुस्तान पहुंचने के बाद भी उनका रैपिड टेस्ट होगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उनके ऊपर क्वारंटाइन की पॉलिसी भी आयद कर दी गई है हिंदुस्तान हुकूमत की तरफ से। 5 ममालिक के अंदर अभी तक के मुताबिक बताया जाता है चाइना के बाद साउथ कोरिया, जापान, हांगकांग और थाईलैंड शामिल है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त के मुताबिक अपनी एहतियाती तदाबीर करना शुरू कर दी गई है दीगर ममालिक की तरफ से। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए तमाम लोगों की और इस कोरोना वायरस से तमाम लोगों को बचाए, आमीन इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बात करते हैं दीगर खबरों के हवाले से। बात करते हैं कोई रमजान और मुबारक के महीने के हवाले से। इंशाल्लाह अज़वजल तकरीबन 90 दिन बाकी है रमजान और मुबारक के महीने में। आप लोग देख सकते हैं ओमानी मीडिया के ऊपर भी स्टेटमेंट आई और बताया जाता है इंशाल्लाह अज़वजल तकरीबन 90 दिन यानी 3 महीने बाकी, 3 महीनों बाद रमजान और मुबारक का महीना शुरू होगा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर से रहमत का रमजान तमाम मुसलमानों के लिए आए, आमीन इंशाल्लाह। बात करते हैं CDAA की स्टेटमेंट के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट आई ओमान की सिविल डिफेंस एम्बुलेंस अथॉरिटीज की तरफ से। इसके मुताबिक तस्दीक की गई, जैसे कल भी बताया गया था कि खबूरा के अंदर वाक्य हुआ था, मेंटेनेंस चल रही थी एक कुएं की, वहां पर 4 मजदूर काम कर रहे थे, वो द्वार जो कुएं की उनके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से 2 लोगों को ढूंढ लिया था जो कि मुर्दा हालत में मिले, और 2 इस वक्त के मुताबिक ढूंढे जा रहे थे। अभी स्टेटमेंट के अंदर बताया जाता है कि वो 2 भी मिल गए और वो भी इस दुनिया फाने से कूच करके, यानी कि 4 के 4 इस वाक्य के अंदर हलाक हुए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। अब आप लोग देख सकते हैं एक स्टेट में शाया की गई ह्यूमन राइट्स के वाले से। पाकिस्तान का वक्त पहुंचा सल्तनत ऑफ ओमान की दहलीज के ऊपर, और आप लोग देख सकते हैं मुलाकात की है सल्तनत ऑफ ओमान के वक्त से, और ये जो वक्त पहुंचा पाकिस्तान का, दोनों ममालिक के दरमियान बहस चली है ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि इंसानी हकूक के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया कि एक दूसरे के जो इंसानी हकूक है उनको पूरा करना चाहिए। तो ये मशरे से बहुत ज्यादा खुशाइन बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम जानिब खैर रखे, आमीन इंशाल्लाह। अब आप लोगों को एक खास खबर से आगाह करेंगे। शाहिद खान अफरीदी को PCB का नया चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट में शाया की गई शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन ऑलराउंडर, उनको पाकिस्तान का नया चीफ मुकर्रर कर दिया गया। जैसे आप लोग जानते हैं कि नजम सेठी आए और उसके बाद ये तब्दीलियां होने शुरू हुई हैं। शाहिद खान अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नया चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया। तो ये माशाल्लाह से एक अच्छी खबर है इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, इससे उम्मीद बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की मुस्तकबिल में क्रिकेट टीम और भी हाई लेवल पर पहुंचेगी। अब सबसे पहले आप लोग साथ में ये वीडियो देखें। जी हाँ नाज़रीन हज़रात, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से वीडियो पब्लिश की गई है क्रिसमस के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं कि जो बुलफ्लोर के जो जानवर है वो घसीटते हुए जहाज को बहुत ही खास तरीके से, और फिर वो उड़ भी गए। पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर ये वीडियो पब्लिश की गई, एक एडिटिंग करके बनाई गई है, लेकिन हाई लेवल पर इसकी रेटिंग मिली है। और क्या ही खूबसूरत माशाल्लाह से बनाई गई है एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से वीडियो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए एमिरेट्स एयरलाइन को, आमीन इंशाल्लाह। तो यही तमाम इस वक्त की अपडेट्स। राव फजल अजीम को दीजिए इजाजत, हंसते बसते रहे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। अल्लाह हाफिज।